तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दोए भाए वे गुच्चिए गल पई सो जम की फास जे हा बी जे सो लुणे मथे जो लिखे आस रैन वेहाणी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटिए सुधर गए होए खलास कर कृपा प्रभु आपणी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभु तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हरे चरण निवास जेठ तो बाद हाड़ दा महीना अति गर्म बहुत गर्म आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहो न जिन्ना पास जमीन दी गर्दिश ते सूरज दी गर्दिश दे नाल जो रुत बदल दी है और महीना जद हाड़ दा आउंदा है तो भयंकर गर्मी लू चल दी है दर्जा हरारत शिखर ते पहुंचदा है जीव जंतु इस तपश तो अति दुखी होंदे ने ते गर्मी पैदा होंदी है जमीन ते सूरज दी गर्दिश नाल एक होर बकायदा तपश है जो मन दी गर्दिश दे नाल कामनावां दी गर्दिश दे नाल वासना दी गर्दिश दे नाल हिरदे विच पैदा हुंदी है बाहर दी इह जिहड़ी गर्मी है जो जमीन या सूरज दी गर्दिश नाल पैदा हुंदी है इस तो मनुख ने बचन दे अज तक बहुत सारे उपराले कीते ने साधन जुटाए ने देहात विच असी देखते हैं अंबां दे दरख्तां दी ठंडी छां पिप्पल दी छां थले बैठ के हवा दे झोंकियां विच और घड़े दा ठंडा पानी पी के हाड़ दे महीने दी गर्मी तो बचण दा उपराला करदे ने सड़े देहात दे लोकी पिंड दे वासी शहरां विच लोगां ने अपने अपने साधना नाल वसीले जुटाए ने कोई अपना ठिकाना सारे दा सारा एयर कंडीशन कर लेंदा है ठंडा कर लेंदा है वाता अनुकूल कर लेंदा है प्राचीन ऐसा भी सी कि जब तपश बहुत वध जाए तो चंदन दा लेप कर लेंदे सन और इस तरह पिंडे नो बदन नो ठंडा रखने की कोशिश करते सन पर ये उपराले सारे तन नु ठंडा रखने वास्ते ने कि जिहड़ी तपश है तन नु जलावे ना तन नु साड़े ना और ये तपश जो जमीन दी गर्दिश नाल ते सूरज दी गर्दिश नाल जो पैदा होंदी है उस तो ही बचण दे साधन ने पर जो इच्छावां वासनावां दी गर्दिश दे नाल मन दी गर्दिश दे नाल हिरदे दी भूमि विच तपश पैदा होंदी है क्रोध दी लोभ दी ईर्षा दी द्वेष दी और तरह तरह दे होर बिखेड़े इन्हां नूं बचण दा उपराला मनुख देखण दे चाहिया है घट ही जगांदा है और बाहर दे इह उपराले अंदर तक पहुंचते भी नहीं इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने चंदन चंद न सर्द रुत मूल न मिटई घाम शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हरि नाम चंदन दे लाया ठंडी छां थले बैठे ठंडा पानी भी पी के और
ठंडी छां थले बैठ के भी हिरदे दी गरमाश दूर नहीं होवेगी। बर्फानी पहाड़ां दे चढ़े के भी मनुखां दे हिरदे तपे रहिंदे ने, अशांत रहिंदे ने। ओ इतना शीतल वातावरण भी देखण विच आया है, उन्हां दे मन नूं शीतल करन विच असमर्थ है। ठंडे इलाके, ठंडे पहाड़, ठंडे बड़क, उत्थे रहण वालियां दे हिरदे भी अत्यंत तपे हुए, तपश दे नाल भरे हुए। तो एक प्रत्यक्ष सबूत है कि बाहर दी इस शीतलता अंतिशकरण नूं शीतल नहीं करदी। इस वासी दे संस्कृति श्लोक सतगुरु कहते ने, न शीतलं चंद्र देवे, न शीतलं बावन चंदने, न शीतलं शीत रुदेन नानक, शीतलं साध स्वजने। चंद्रमा की किरणा भी हृदय नु शीतल नहीं कर सकदियां, सिर्फ तन नु ठंडा रख सकदियां। और इसी तरीके नाल चंदन दा लेप है, ठंडिया हवावां ने, बर्फानी हवावां ने, शीतल बाहर दा माहौल है, जो हृदय नु शीतल नहीं करदा। हृदय शीतल केवल परमात्मा दे नाम नाल हुंदा है, ईश्वर दे नाम नाल हुंदा है। तो इस वास्ते साहिब इत्थे पे फरमान करदे ने, आसाड़ तपंदा तिस लगे है, हर नाम ना जिन्ना पास, जिन्हां दे कोल हरी दा नाम नहीं उन्हां दे अंतिशकरण दे ते हमेशा ही हाड़ बनिया रहिंदा है, आसाड़ दी रुत बनी रहिंदी है, हर वक्त हिरदे तपे रहिंदे ने। पृथ्वी दे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ 30-31 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕੇ ਹੈ ਹਾੜ ਤੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਤਪੇ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤਪੇ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, मनुख दी सोचनी नाल चलदी है, मनुख दे चिंतन नाल चलदी है, मन दियां वासनावां नाल जो है चलदी है। तो साहिब कहिंदे जिन्हां दे कोल परमात्मा दा नाम नहीं, असाड़ दे महीने दी गर्मी उन्हां नूं बाहरों ते तपाउंदी है, पर उन्हां दे अंतिशकरण विच वी हाड़ बणिया रहिंदा है, उन्हां दा हिरदा भी तपिया रहिंदा है, क्योंकि परमात्मा दा नाम नहीं है। आसाड़ तपंदा तिस लगे, हर नाव न जिन्ना पास, जग जीवन पुरख ते आव के मानस संधि आस। जो जगत दा जीवन है, जीवन दे देण वाला है, ते जीव जी सकन अनंत दाता दे देण वाला है, उन्हूं बुला के ए मनुख मनुख दी आस ते जी रहे है, बंदा बंदे दी आस ते जी रहे है। बंदा उसकी आस करदा जिस तो ये आया है, जिस तो ये जीवन आया है, जिस तो ये सब कुछ आया है, पर मनुखी दुनिया विच कितनी मूर्ता चलती है। बंदा बंदे दी आस ते जी रहे है, मनुख मनुख दी टेक ते जो है जी रहे है। बाबा फरीद ते बहुत वड्डी फिटकार पांदे ने उस ते, जेड़ा मनुख मनुख दी आस ते जीवदा है। फरीदा राती वडियां दुख दुख उठन पास, रिग तिनांदा जीविया जिना विडानी आस। लानत है उना दे जीवने ते जो खुदा नु छोड़ के मनुखी आस ते जीवदे ने, और सोचदे ने मनुख तो सुख मिलणगे, पर जिहड़ा आप दुखी है तेनू कित्थों सुख देवेगा। तेनू सुख दी चाहत है, उसनू भी है। एक आम मुहावरा है, ओ मोते सुख चाहत है, हम ओते सुख चाहत है। असि उसदे कोल सुख मंगदे हां, ओ साडे कोल सुख मंगदा है। भिखारी ते दोवे ने, ते दोवे भिखारी मिल के किसे नूं किस तरह राजा बना देणगे, महान बना देणगे, दोहां दी ते चाहत है। एक गाथा है बड़ी सुंदर, कहिंदे ने एक सूफी फकीर नूं किधरे उसदे चेलिया ने प्रेरिया कि रोज दर बदल भिक्षा मंगनी पैंदी है, चलो अकबर दे कोल जांदे आं, उसदे कोल हाथ फैलांदे आं, ओ इतना कुछ दे देवेगा साडे कई दिन सुख नाल आराम नाल कट जाणगे। जदों ये फकीर अकबर दे महलां च पहुंचे है, अकबर नमाज कर रहा सी अदा मस्जिद विच बैठ के, शाही मस्जिद विच बैठ के।
फकीर की मस्जिद ते चला गया। नमाज जब अदा हुई तो दुआ कर बैठा अकबर, अरदास करता है, बिने करता है, दुआ करता है, हे खुदा तू सुख दे, शांति दे, मेरी झोली होर राजपाठ नाल भर, होर मेनू शक्तिशाली बना, तू बख्शिश कर, मेरा राज भाग होर वधा, मेरे खजाने दी धन संपदा होर वधा। इंज जद दुआ पिया करे तो फकीर मुड़ चले। चेले कहन लगे, आए सी तुसी कुछ मंगन ते बिना मंगया ही वापस जा रहे हो। फकीर कहन लगा, मंगते कुल की मंगना, हुण इह ही जिसदे कुल मंग रहे है आपां भी उसे कुल ही मंगांगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मौनक की टेक बिरखी सब जान, देवन को एके भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। एक परमात्मा दा दित्ता होया ही मनुख नूं रजा सकदा है, मनुख दा दित्ता होया मनुख नूं नहीं रजा सकदा। एक परमात्मा दी देन ही मनुख नूं राजा बना सकदी है, रजिया होया बना सकदी है। मनुख दी देन ते सदीवी भिखारी बना के रखेगी। वो लैण वाला, अगला देन वाला, यह सदीवी मंगता बनिया रहेगा। पर जब परमात्मा कुछ झोली विच पांदा है तो परमात्मा ते अपने वर्गा बना देंदा है। वो दाता है, वो राजा है। वो जिस दी झोली विच सौगात पांदा है उसनु भी दाता बना देंदा है। वो भी दाते दुख काटन हार, वह भी दाते बन जाते ने, वह भी राजे बन जाते ने, वह भी महान बन जाते ने। तो साहिब कहिंदे ने, हार दा महीना उन्हां नू बहुत तपांदा है जो जगत दा जीवन परिपूर्ण परमात्मा है, उसनु भुला के मनुखा दी आस टेक विच अपनी जिंदगी बतीत करदे ने। दोए भाए विगुची है गल पई उस जम की फास, दोए भाए दो पासे दी धामणा, दो पासे चलना, एक कदम सच दे पासे, एक पासे एक कदम झूठ दे पासे, एक कदम रोशनी दी तरफ, एक कदम अंधकार दी तरफ, एक कदम धार्मिक मंदिर दी तरफ, एक कदम विकारां दे अड्डे दी तरफ, एक कदम ईमानदारी दी तरफ, दूसरा कदम बेईमानी दी तरफ। कहिंदे ने संसार विच बस इस तरह दे लोगां दी ही बहुत वड्डी गिणती है जो दुबदा विच पैणे, दुबदा दो पासे दी धावणा, कदी सच दी तरफ कदी झूठ दी तरफ, कदी प्रकाश दी तरफ कदी अंधकार दी तरफ, कदी ईमान दे तरफ मदरां दी तरफ, कदी वैश्यालयां दी तरफ शराबखानियां दी तरफ। और हैरानगी आउंदी है, ये जो धार्मिक मंदिर दी तरफ भजिया जा रहा सी यही शराबखाने दी तरफ जा रहा है, जिसके हथ विच गुटका सी बाणी पढ़ रहा सी यही गंदा नावल पढ़ रहा है, जिन सियात नाल भरिया हुई कहानियां पढ़ रहा है, जो मिठा मधुर ते सच बोल रहा सी यही मिथ्या बोलन लग पे है, जो बड़े शांतमई ढंग नाल ते विनम्रता दे नाल पेश आया सी यही तकबर प्रगट कर रहा है, यही क्रोध विच आ गया है, जो बड़ा दयालु दिखाई दे रहा सी यही कठोर हो गया है। संसार विच मनुखी जगत विच बस इन्हां लोगां दी तादाद बहुत ज्यादा है जो हमेशा दो पासे चलते ने और जीवन भर चलते ने, और दो पासे चल के मनुख किधरे भी नहीं पहुंचता, उत्थे दा उत्थे ही रह जांदा है। दो पासे चल चल के बंदा थकदा है, टुटदा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, जो इस तरह दो रस्ते ते चलते ने अगे ते पिछे आखिर खज्जल खुआर आउंदे ने, दोए भाए वी गुचीस गल पई सो जम की फास, और अंतम समय जमा दी फाई गल विच आण पैंदी है, अगला जन्म फिर जो है चल पैंदा है। अगे जाके की आउंदा है तो साहिब कहिंदे, जे हा बीजे सो लूणे मथे जो लिखियास, जो बीजे है ते बीज बीज के जो मस्तक दे संस्कार बने ने अगे ते ओही कुछ उसनु प्राप्त होवेगा। जैसे इसके संस्कार बने उसे संस्कारां अनुसार उसे संस्कारां दे भरे हुए मां बाप उसनु मिलणगे, वैसे संस्कारां दा उसनु माहौल मिलेगा, और उन्हां
संस्कारा दे अगर पीड़ा सी दुख सी विकार सन तो फिर अगला माहौल भी वैसा ही जो है बनेगा। साई वस्त प्राप्त होई जिसो लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पैरे लावी लुणिया खेत। जिस तरह की वासना विच मनुख रहा, जिस तरह के कर्मा विच मनुख रहा, जिस तरह के संस्कार संचित करता रहा, अगली दुनिया उसनु वैसी ही प्राप्त होई। तो जेहा बीजे सो लुणे मथे जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास। जिंदगी दी रात व्यतीत हो गई, मौत दा सूरज उदय हो गया, पछतावा पैदा हो गया। क्यों? हाथ दे कुछ भी नहीं, हाथ खाली रह गए ने, निराशा ही पई है झोली दे। अंतिम समय अगर कोई उदास हो गया है तो समझ लो जिंदगी व्यर्थ चली गई है, पर अंतम समय भी बुलना ते मुस्कुराहट है, चेहरे ते खेड़ा है, तो समझ लो जिंदगी सफल हुई। मौत पर्चा है, मौत इम्तिहान है, इसने जो 70-80-90 साल पढ़े है, जीवन दे मकतब दे जो कुछ इसने पढ़ाई कीती है, बस हुण मौत दा पर्चा जो हल करेगा मौत दस देगी। मौत इम्तिहान है, मौत एक पर्चा है। अगर उस समय मौत नो वेख के गुल्ला ते मुस्कुराहट आ गई, चेहरे ते खेड़ा आया, तो जिंदगी दे मकतुब दे पढ़ के सफल हो गया, कामयाब हो गया। पर उदासी छा गई, मायूसी छा गई, रोना छा गया, अश्कबार हो गया, दुखत हो गया, तो फेल हो गया। पृथ्वी विच जिंदगी दे मकतब दे अक्सर लोग फेल हो जाते ने, कदी कदाई कोई हजारा विच इक पास होता है। बाकी जो विद्यालय बाकी जो मकतब ने कोई एक कद फेल होता है, बाकी पास हो जाते ने। पर ये जो जीवन का मकतब है, ये जो जिंदगी का विद्यालय है, इथे ते कोई एक कद पास हो जाता है, बाकी सारे फेल हो जाते ने, उथे ते उथे जो है रह जाते ने। तो साहब कहते ने जिंदगी की रात बतीत हो गई, मौत दा सूरज उदय हो गया, पछतावा झोली विच पिया, और निराश होके ये जीव स्त्री जगत तो उठ चली। जिनको साधु भेटी है सो दरगे होए खलास। जिन्हा नु सत्संग नसीब होया, गुरु दी सोबत नसीब होई, ओ दरगाह विच पहुंच गए, बंधना नु तोड़ के, सारिया जंजीरा नु तोड़ के, सारे विकारा नु लांबे करके, करके रबा प्रभ आपनी तेरे दर्शन होए प्यास। अषाढ़ दे महीने दा उपदेश करदे है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, सानू अरदास करना सिखांदे ने, हे प्रभु बख्शिश कर, रहमत कर, इस महीने विच तेरे दर्शना दी प्यास पैदा होवे, तेरी भुख पैदा होवे, तेरे मिलन दी तांग पैदा होवे, क्योंकि प्रभ तुल बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। नानक दी ए अरदास है, जोदड़ी है, बेनती है, हे प्रभु ऐसो बिना और कोई भी समर्थ नहीं जो मेरे दुख कट सके, तेरे मुकाबले दा होर कोई है नहीं जिस दे अगो मैं अरदास करा। इस वास्ते हे प्रभु तेरे अगो ही अरदास है, तेरे अगो ही जोदड़ी है। आसार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। आसार दा महीना उसे लई सुहावना है, उसे लई शीतल है, उसे मनुख लई आनंदमयी है जिसका मन प्रभु दे गुणा दे जुड़े ही रहिंदा है, प्रभु दे चरणा च लीन रहिंदा है। आसार भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सहे सोखे अगन बखे, अगन रस सोखे मरिए भूखे, भीसो किरत नहारे रथ फिरे छाया धन ताके, पींड लवे मंज बारे। आओ गुण बाद चली दुख आगे, सुख तिस साच संभाले, रौनक जिसनु इल मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले।
ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼। ਭਲਾ ਹੈ ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸੂਰਜ ਗਗਨ ਤੇ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭੁੱਖ ਸਹੇ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਗਨ ਰੱਖੇ। ਧਰਤੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ, ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਨਾਲ ਉਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਇਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਜੋ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਕਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਇਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਗਨ ਬਖੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਗਨੀ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਰਸ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਰੀਏ ਧੋਖੇ ਵੀ ਸੋ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਰਸ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਉਸ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਫੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਮੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਨਰਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਪਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਈ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਡਰਵੇ, ਹਰ ਦਰ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਇਸਦਾ ਦਰਵਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋ ਨਮੀ ਮੁਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਟਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਮਲਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਫਟਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਫਾੜ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਫਟ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਦਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਫਟ ਗਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਕਰਕੇ, ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਪਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਟੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਗਨ ਬਖੇ, ਅਗਨ ਰਸ ਸੋਖੇ, ਮਰੀਏ ਧੋਖੇ ਵੀ ਸੋ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਪ ਗਿਆ ਹਿਰਦਾ, ਫਟ ਗਿਆ ਹਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਯਤਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਫਟੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਚ ਵੀ ਹੱਲ ਚਲਾਵੇ, ਇਸ ਫਟੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌੜਾ ਚਲਾਵੇ, ਇਸ ਫਟੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ
सोचण दी कोशिश करे ते अरदास करे हे प्रभु तू बरस तू बरस धरती में अपने यतना नाल अपनी मेहनत नाल सोधदा ठीक करदा पर नमी ते तेरी रहमत नाल होवेगी तेरी बख्शिश नाल होवेगी तू उपरों बरस ताकि थले कीता होया मेरा कर्म सफल होवे धरती ते कीती हुई मेरी मेहनत नू भाग लगे और ए भाग ता लग सकदे ने तो उपरों बरस है। हकीकत है जद भी कृपा होंदी है जद भी रहमत होंदी है उपरों ही होंदी है। इस वास्ते आद काल तो देखण दे चाया है कि कोई महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी शीश ते ही हथ रख देंदा है उपरों ही बरक बख्शिश होंदी है उपरों ही ए बारिश हो जाती है। तो साहिब कहते ने अगन रस सोखे मरिए धोखे पीसो किरत ना हारे फिर भी अपने कर्मा तो हार न मने ऐसी हालत विच भी ये ठीक है। धरती फटी हुई होवे हल चलाना ते औख है धरती नु सोधना ते औख है लेकिन इस औखियाई नु ते जरना पेगा ये कठिन कम ते करना ही पेगा। जद भी कदी कोई नाम जपण लगे तपस्या कर लगे अमृत वेले उठण लगे उनु एक गल ते पहले महसूस हो जाएगी हृदय ये धरती मेरे कोल फटी हुई है तपी हुई है मेहनत बहुत वड्डी है और इस फटी हुई धरती नु वेख के इस तपी हुई धरती नु वेख के बहुत सारी दुनिया हल चलाना छोड़ देती है फावड़ा मारना छोड़ देती है की लेना है धार्मिक मंदिरों विच की करना है पाठ पूजा करके मन ते शांत होंदा नहीं मन नु ते चैन मिलदा नहीं मन दे विकार ने पाठ करके की करना है धरती ते सुखी हुई है हल चला के की करना है धरती ते फटी हुई है फावड़ा चला के की करना है गैंती चला के की करना है। पर कौन दसे तू गैंती चढ़ा फावड़ा चला हल चला मता प्रभु बरस पवे मता बदल बरस पैन मता रहमत हो जाए। तो साहब इत्थे कहने फिर भी तू अपने कर्मा तो हार न मन भावे सूरज दी गर्मी धरती नु फाड़ बैठी है धरती तप गई है धरती टुकड़े टुकड़े हो गई है पर ए जीव हिम्मत कर उदम कर निराश नहीं कर दे गुरु नानक देव जी महाराज फिर भी तू हल चला फिर भी तू कर्म कर उदम कर रथ फिरे छाया धन काके पीण लवे मजवारे। इस सूरज दा रथ घूम रहा है चारों पासे और धरती तप रही है और टिड्डे छोटे छोटे पंछी तड़प रहे ने बेजार ने दुखद ने विकारा करके सिर्फ मनुख ही दुखद नहीं है देखण विच आउंदा है किधरे दृष्ट रोग विच तपिया होया पतंगा जल जांदा है किधरे वासना दे रोग दा ग्रसे होया हाथी खड्डे विच फस जांदा है किधरे गडेड़े दे नाद दा ग्रसे होया हिरन शिकारी दे जाल विच फस जांदा है और किधरे सुगंध दी लपेट विच आया होया भौरा कमल विच फस जांदा है सवेरे उसकी लाश ही जो है निकलती है जब सूरज चढ़दा है ते कमल दा फुल खिड़दा है भौरे दी लाश ही उस कमल फुल विच जो है निकलती है। एक एक रोग करके भौरा हिरन हाथी और पतंगा और मछली दुखत होंदियां ने मांस दा स्वाद कुंडी देखी नहीं फस गई मछली तड़प रही है। उन एक एक रोग करके एक एक विकार करके एक एक रस करके ये इतने दुख चाहते ने ते जिस मनुख दे हिरदे च ये सारे विकार होवन उत्थे कितनी पीड़ा होवेगी उत्थे कितनी दुख ते संताप दी अग्नि होवेगी। पर साहिब कहने फिर भी ए बंदे तू हिम्मत ना हार भावे सूरज दी गर्मी है भावे धरती तपी हुई है अवगुण बाद चली दुख आवे सुख तिस साज संभावे। ये जीव रूपी स्त्री निराश होके अवगुणा दी पोट बन चली है पर हुण कौन दसे जो अवगुणा दी पोटली तो सिर ते बन्नी है इन्हां दा अंजाम दे अगे दुख है सुख ते ताई मिल सकदा तैनो सुख तिस साज संभावे जो सच दी संभाल करे प्रभु दी संभाल करे फिर उसनों सुख दी प्राप्ति हो सकती है। नानक जिसनों एह मन दिया मरण जीवन प्रभ नाले जिसन
ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਈ। ज्ञान दास आ गए।